घमासान.com के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको ये बताते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये एक बार फिर साबित हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से सारे दल एक दूसरे के खिलाफ हैं, उसी तरह से कई राजनीतिक परिवार एक दूसरे के खिलाफ अभी से मोर्चा शुरू कर चुके हैं। सबसे पहला मामला अभी जो रिश्तेदारी का राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश के राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और शिवपाल यादव का। जी हाँ, शिवपाल यादव ने अक्षय यादव की फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अक्षय यादव राम गोपाल यादव के बेटे हैं और वो अखिलेश यादव की पार्टी में हैं। दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह से नाराज होकर नई पार्टी बना ली है और अपने सगे भतीजे वर्तमान सांसद अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जो यादव परिवार एक दूसरे की कस्में खाता था, उत्तर प्रदेश सरकार में जब यादव मुख्यमंत्री थे तब लूट खसोट में सब हिस्सेदारी करते थे, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव लड़ने की बात सामने आई तो पदों को लेकर ऐसे लड़े कि लोग शर्मसार हो गए। लोगों ने कहा कि किस तरह से एक परिवार राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी रिश्तेदारियों की कुर्बानियां कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। कुर्बानियां इस शब्द में कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। पहले अबोला हुआ, बाद में अभद्र व्यवहार और अब आमने सामने की लड़ाई। मुलायम सिंह यादव परेशान है कि उन्होंने आखिरकार क्यों अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ने दिया। कई राजनेता समझदार होते हैं और वो अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को राजनीति में इसीलिए नहीं आने देते हैं क्योंकि समय आने के बाद ये विवाद बढ़ जाते हैं। अभी जो विवाद है वो इस बात को लेकर है कि शिवपाल यादव किसी और सीट पर जाने को तैयार नहीं है। वैसे अब राम गोपाल यादव की भी हिम्मत नहीं है कि वो शिवपाल यादव को समझा लें। मुलायम सिंह यादव इस पूरे मामले में क्या करते हैं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी दूसरा भतीजा अखिलेश शिवपाल के व्यवहार से बड़े परेशान हैं और राम गोपाल कह रहे हैं कि मेरे भाई को क्या हो गया, अपने भतीजे के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को मानने वाले यादव समाज के लोग भी परेशान हैं कि आखिर इतने बड़े राजनीतिक कुनबे में ये लड़ाई किस सीमा तक शुरू हो चुकी है, आखिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी, कब होगा इनमें समझौता, कौन कराएगा समझौता। अब तो इन भाइयों में और परिवार में एका रखवाने वाले अमर सिंह भी इनसे दूर हो गए, लेकिन अमर सिंह की जब वापसी हुई तो बाकी भाइयों ने उनका विरोध कर दिया। अमर सिंह के अलावा मुलायम सिंह यादव जरूर एक ऐसी शख्सियत है जो इस परिवार में एकता करा सकती है, लेकिन लोगों का ये कहना है और राजनीति का भी ये तकाजा कहता है कि जो नेता अपने सगे रिश्तेदारों के नहीं हुए वो आम जनता के क्या होंगे, ये बात उन मतदाताओं को सोचना पड़ेगी जिन मतदाताओं के सामने झोली फैलाकर शिवपाल यादव और अक्षय यादव वोट मांगने जाएंगे। आप देखते रहिए घमासान.com पर दे दनादन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।